बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। मैं हूं शिवानी। मैं हूं कुनाल। वेलकम गाइस हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है कपल वाला रिएक्शन। गाइस आज की वीडियो इस्लामिक स्पीचेस चैनल से है और वीडियो का टॉपिक है मोस्ट फनी क्लिप ऑफ मुफ्ती तारिक मसूद। वाह, मोस्ट फनी। तो देखते हैं इन्होंने मोस्ट फनी क्यों जोड़ा है। मे बी कुछ अच्छी सी होगी और बट ये वीडियो थोड़ी छोटी है गाइस। तो और आपको बताना चाहेंगे कि मुफ्ती तारिक मसूद का अपना खुद का ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद का स्पीचेस करके है। हम उनका लिंक दे देंगे अपने डिस्क्रिप्शन में, तो आप चाहो तो उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं गाइस। इस्लामिक स्पीचेस से है ये वीडियो। सो देखते हैं मुफ्ती तारिक मसूद इन फनी मोड। कूंडे खा खा के, तीजे खा खा के, और जितने मुर्दे मर रहे हैं सबका इसाले सवाब ये खाता है। ऐसे भी हैं, इस तरह के भी है ना। मैं एक वाक्य नहीं बताता, एक बिदती मौलवी था, उसके किसी का इंतकाल हो गया, तो उस मौलवी का भी इंतकाल हो चुका था। तो वो जुमेरात के खाने पर बुलाया, मैयत के लवाहिकीन ने कहा कि पहले तो आपके अब्बा को बुलाते थे, अब अब्बा नहीं है तो बच्चे आ जाएं। तो बच्चे जब खाना खाने के लिए जाने लगे, जुमेरात का खाना, तो बच्चों की माँ ने कहा देखो बेटा, इतना खाना है कि बाप की रूह को तस्कीन हो जाए कि मेरे बाद ये सिलसिला ख़त्म नहीं, और बाप को बदनाम नहीं करना बाप की रूह को तकलीफ नहीं पहुँचा, बदनाम ना, नाक ना कटवा देना मुआशरे में, तबीयत से फोड़ना बैठ के ना, बाप की रूह को खुशी होगी कि आज मैं नहीं हूं तो कोई मसला नहीं है, मुफ्त खाने वाले मेरे बच्चे हैं। तो बच्चों ने माँ की नसीहत याद आई, शुरू किया। ये लतीफ़ा हमारे नाना हमें सुनाया करते, अल खुद भी मौलवी थे वो ठीक है ना, मस्जिद के इमाम थे, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। बच्चों ने तबीयत से फोड़ना शुरू किया, खाते 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 अधमुए हो गए ना, चला ही नहीं जा रहा उनसे, अम्मा की नसीहत याद आ रही है। तो बिल आखिर ये हालत हो गई कि दो बंदों के कंधों पे सहारा लेके घर आ रहे। माँ ने देखते ही चित्रौल लगाना शुरू कर दिए, कह रहे नाक कटवा दी ना, बाप की रूह को तकलीफ दी। बच्चे कहने लगे अम्मा इतना तो खा लिया कि चला नहीं जा रहा। कह रही कमबख्तो, तुम्हारे बाप को स्टेशन पर रख के लेकर आते थे हैं, और तुम चल के आ रहे हो, उसको तो लिटा के लाते थे, चार आदमी उठा के ला रहे होते थे उसको। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी आलिम को ताना दिया, वो इस्लाम पे एतराज़ कर रहा था, बातें कर रहा था, आपने ताना दिया कि क्या तौरात में नहीं लिखा है कि अल्लाह को मोटे तोंद वाले आलिम से नफरत है, तो तू पहले अपना हुलिया तो देख, खा खा के तोंद निकाली हुई है, तौरात पर अमल कर नहीं रहा जो अल्लाह ने तुम्हें किताब दी थी, और हमें क्या कर रहा है, नसीहतें कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि ताना बास सूरतों में, इससे एक तो ये भी पता चलता है कि अल्लाह को ज्यादा खाना, बोलो भाई, जुमेरात के भी खाने, उधर से कूंडे का खाना आ गया, उधर से पता नहीं क्या क्या खाए जा रहे हैं यार। इस्लाम में तो भाई रोजे रखना है, पीर जुमेरात का रोमी, देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश में आपने रोजा रखा है, हमारे यहाँ देगे पकती हैं 12 रबीउल अव्वल को ना, अगर फर्ज कर लो 12 रबीउल अव्वल यौम पैदाइश है तो फिर तो रोजा होना चाहिए, देगे हो रही हैं, दबा के खा रहे हैं, खिचड़े पक रहे हैं, खीरे खा रहे हैं। छोटी थी वीडियो, बट एक बताना आप कि कूंडे क्या होता है। कूंडे और दागे, कूंडे पक रहे हैं, दागे में भी कोई डिश होगी, बट वो भी बता देना क्या होता है, और कूंडे का खाना क्या होता है। कूंडे का खाना शायद किसी मरे हुए का खाना, मता नहीं, मैं तुक्के भेड़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता, आप बट बता देना कूंडे का खाना क्या होता है। और कह रहे कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब जन्म हुआ था तो हर कहीं, जैसे अरब वर्ल्ड है खासकर, वहाँ तो ये होता है कि लोग क्या रखते हैं, फास्टिंग करते हैं उसकी, तो और आ रहे हैं सब कॉन्टिनेंट पे, भर भर के खा रहे हैं, पकवान बनते हैं नए नए, तो वहाँ उस दिन भर भर के खाते हैं।
तो ये चीज कह रहे हैं यहाँ पर। और वो जो अपनी उनकी माँ अपने बच्चों को बोल रही थी खा के आना, मैं शुरू में कंफ्यूज था कि वो क्या, वो हाँ, मेरे को लगा हाँ. कि ऐसे कह रही होंगी कि भाई तुम लिमिट में खाना, लिमिट कहीं में खाना. हमारा नाम बदनाम कर दो खाने के चक्कर में, ज्यादा खाने के चक्कर में, वो ऐसा लगा. बट जैसे बताया वो कि वो खा के चल के आ रहे हैं, तो कहते तुम्हारे स्ट्रेचर पर आते थे चार लोग लेकर और तुम चल के आ रहे हो, कितना कहाँ खा लोगे. मतलब बचपन में ना हमने भी जब कभी कभी होता है ना कि कुछ बढ़िया, मेरे को याद है मेरे एक दोस्त की दोस्त का बर्थडे था, वो उनकी सिस्टर ने ना छोले भटूरे बनाए हुए थे. तो उस टाइम बचपन में वैसे ही डाइट एकदम अच्छी वाली होती है, खेलते हैं कूदते हैं, और मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा एक्टिव था, क्रिकेट मेरा बहुत अच्छा खेलता था, मैं फास्ट बॉलर था, तो डाइट भी उस हिसाब से चाहिए चाहिए होती थी, और बैटिंग भी अच्छा खासी कर लेता था मैं, तो फिर उस हिसाब से फिर डाइट भी चाहिए होती थी. तो फिर उसका बर्थडे मैंने शाम को मैं बुला लिया, हम छोटे थे उस टाइम, बट मेरे को याद है मैं तीन या चार भटूरे खा गया था उस टाइम. और बींग अ छोटा बच्चा तीन चार भटूरे खा जाए वो बहुत बड़ी बात है, और मैं छोटा ही था. हाँ. नहीं, छोटे होते ऐसा हो जाता है कि हम ज्यादा खा लेते हैं, डाइट ज्यादा खा लेते हैं. बड़े होके थोड़ी अकल वकल सी आती है ना कि अगर नहीं खाना ये हो गया वो हो जाएगा. हाँ. हाँ. या फिर मोटे हो जाएंगे तो पर्सनालिटी का सोचने लगते हैं, अपनी केयर करने लगते हैं. छोटे होते कहाँ केयर करते हैं, तब तो माँ बाप को हमारे केयर की पड़ी होती है. छोटे होते हजम भी हो जाता है, मेन बात ये है. हाँ. कि जो वो उस लेवल होता है ना बच्चा, वो उछलता कूदता भागता ये करता वो करता, वो एक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है ना उसकी बॉडी की, जो कितना भी खाए हजम हो जाता है वो. सही बात है. हम जैसे बड़े जो एक एज के बाद आए थे बंदे 20 या 21-22 की एज में या इससे ज्यादा के, तो उस एज में आपका फिर ना लिमिटेड आपको खाना पड़ता है. 25 के बाद तो आपको लिमिटेड में ही खाना खाना पड़ता है. फिर वो ये है कि भाई इतना खाएंगे, 25 या 30 तक ऐसा हो सकता है कि आप जी भर के खा लें, नहीं ये कुछ भी खा लें समथिंग. हाँ, कुछ भी खा लें. हाँ. वैसे तो देखो 40 तक आप कुछ भी खा लो मेरी मानो तो. नहीं नहीं नहीं, अब जिस तरह की बॉडीज हो गई है ना, जैसे आर्टिफिशियल रह गए हैं यहाँ के खाने वगैरह, तो हद से हद 25 तक ही लिमिटेड है कि आप कुछ भी खा लो, है ना. मतलब जैसे पिंडों में होता है या गांव में होता है कि वहाँ का एकदम प्योर देसी खाना होता है, तो वहाँ कोई टेंशन नहीं होती. वहाँ पर आप जब तक बुजुर्ग हैं तब तक आप अच्छा खाएं पिए जब भी, हवा का फर्क, लेकिन हाँ, लेकिन एनवायरनमेंट का फ़र्क पड़ता है. तो अब जिस एरिया में हैं हम लोग हैं जैसे शहरों में, तो वहाँ खाना उस टाइप का प्योर खाना नहीं पहुँच पाता. बहुत चीज़ें फ़र्क पड़ता है. मतलब गांव में है आपको प्योर मिलेगा, प्योरिटी, हर चीज़ प्योर मिलेगी आपको, सांस लेने के लिए हवा प्योर मिलेगी, एनवायरनमेंट प्योर मिलेगा, इवन सब्जियां प्योर होंगी, ये सब. हाँ, सब्जियां आपके साथ ही उगी हुई होंगी, आप सब्जियां प्योर, सब कुछ प्योर मिलेगा, प्योर खाने को मिलेगा. और बंदा मेहनत ज़्यादा करता है गाँव वाला ना, क्योंकि उतनी फैसिलिटी नहीं होती उनके पास. शहर वाले के पास फैसिलिटी बहुत होती है, उस हिसाब से फिर चीज़ें भी मिलावट ज़्यादा होती हैं और ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती, तो फिर बंदा इतना लंबा नहीं आता. हालांकि मेरा भी दिल था कि ना गांव में होना चाहिए. एक एज के बाद मैं तो चाहता हूँ कि मैं गांव में शिफ्ट हो जाऊँ, एक एज के बाद. तब तक अपना सेट कर लो सब कुछ, और एक एज के बाद गांव में शिफ्ट हो जाऊँ. तो चलते हैं गाइस, इस्लामिक स्पीचेस चैनल से थी वीडियो, तो आप इनके चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब. साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.